वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सलमान ऑफिशियल। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। आज है आपका 25वां रोज़ा है, रमज़ान का 25वां रोज़ा है। तो अल्लाह ताला आपको खैर आफियत के साथ रखे, जहाँ कहीं भी आप हैं आपको खुश रखे अल्लाह ताला। तो आज का जो ब्लॉग है, आज का ब्लॉग ऐसा है कुछ, मैंने एक वीडियो बनाई थी अपनी दुकान पर, कलर की वीडियो बनाई थी, तो उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे। तो मैंने सोचा कि चलो इसी टॉपिक पे एक और वीडियो मैं बनाऊँ। तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो पसंद आए आपको। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। मैंने अलग अलग कलर से, तकरीबन एक कलर से काफ़ी कलर बनते हैं, मैंने सब कुछ उसमें दिखाया हुआ है। तो आज का व्लॉग है, मैं कलर बना के आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। आप वीडियो देखें, अगर वीडियो पसंद आया तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। भाई ने बोला करने का तो करने का। ये है भाई प्राइमर का क्वार्टर है, मैंने लिया है प्राइमर का क्वार्टर, आप देख रहे हैं। खैर एक शेड बनाने के लिए मैंने लिया है, वाइट होना चाहिए, वाइट हो या ऑफ़ वाइट वैसे शेड अच्छा बन जाता है, लेकिन मैं ये कि वाइट में बना रहा हूँ। तो ये क्वार्टर है प्राइमर का, मैंने एक सैम्पल के तौर पर ले लिया है कि चलो यार प्राइमर के क्वार्टर में बना लेते हैं। तो इसको आप खोलते हैं, चेक करते हैं। तो ये ले लिया मैंने पेचकस और इसको मैं खोल रहा हूँ, तो इसको देखते हैं, ओके करते हैं इसको। ये प्राइमर का क्वार्टर खोल लेते हैं, अब देख रहे हैं इसमें से वाइट निकले, ये निकला वाइट। तो अब इसको मैं बनाऊंगा, थोड़ा सा इसको हिला लूँ लकड़ी से। ये भाई लकड़ी ले ली मैंने, इसको थोड़ा साफ़ करके ये हिला के सही से ना, क्योंकि इसके ऊपर वार्निश होता है, तो वार्निश से हिला के इसको, अब ये हो गया बिल्कुल लिस्सा। अब इसको बनाएंगे अपन शेड। अब थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लूँगा ढक्कन के ऊपर, तो सफ़र ये थोड़ा और मैं इसको हिला लूँ। ये बन गया सही, बिल्कुल ओके हो गया। अब इसको थोड़ा सा ले लूँगा ढक्कन के ऊपर, अब ये ढक्कन के ऊपर लेके अब इसका बनेगा शेड। तो थोड़ा सा माल ले लेते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं जो आगे जो टिंटर पड़ी है, तो सबसे पहले देखते हैं येलो की लेमन कलर बनाते हैं इसमें, जो जिसे लेमन का बाज़ वक़ात काफ़ी लोगों को ऑफ वाइट बनाना होता है, तो वो लेमन कलर से बनेगा ऑफ वाइट। तो ये सबसे पहले लेमन ट्यूब उठाते हैं, लेमन ट्यूब से बनाते हैं। तो आपको दिखाता हूँ मैं, ये इसमें देखें ये लेमन ट्यूब है, तो इसमें अगर मैं थोड़ा सा डालूँगा तो ये लाइट कलर बनेगा, ठीक है। उसमें अगर ज़्यादा डालेंगे एक ट्यूब से काफ़ी कलर बन जाते हैं, बहुत से कलर बनते हैं। ये देखें अभी मैंने थोड़ा सा इसमें लिया है, तो ये मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ इसके अंदर, अभी देखें आप, तो ये बन रहा है क्रीम, क्रीम टाइप का कलर बन जाएगा, लाइट कलर ये बनेगा क्रीम टाइप का। अगर इसमें थोड़ा सा और डालूंगा मैं, तेज़ करना चाहूँगा तो ये तेज़ होता जाएगा। तो ये जितना ज़्यादा मैं डालता रहूँगा, जिस तरह जितना माल हो उसके हिसाब से बनेगा ये। तो अगर मैं और डालूँगा इसके अंदर, और डालता रहूँगा तो ये तकरीबन समझो कि येलो पर चला जाएगा। अब ये क्रीम बन गया, मैं थोड़ा सा और डाल के इसके अंदर चेक करता हूँ। तो ये मैं थोड़ा सा और लेता हूँ इसके अंदर, ये लिया मैंने उंगली से इसमें डाला, ये देखें अब ये तेज़ होता जा रहा है, ये बनता जा रहा है येलो के टाइप पे, ठीक है ना। तो इसमें मज़ीद जितना तेज़ डालते रहेंगे इतना तेज़ होता रहेगा, ये येलो बनता रहेगा। तो ये एक ट्यूब से कई कलर बनते हैं, एक शेड से कई कलर बन जाते हैं। तो जितना ज़्यादा मैं डालता रहूँगा इतना ज़्यादा ये तेज़ होता रहेगा, तेज़ बनता रहेगा। अब मैं थोड़ा सा और डाल के चेक करता हूँ उसको, अभी देखें पूरा गोल्डन येलो हो जाएगा, बिल्कुल पीला पड़ जाएगा। तो ये बन गया आपका येलो का शेड, और बड़ा बेहतरीन शेड बना है येलो का, आप देख सकते हैं ये बड़ा बेहतरीन ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये जेन्युइन कलर पे आ गया है, तो आप देख सकते हैं बड़ा बेहतरीन लग रहा है। थोड़ा सा और डाल के ट्राई करते हैं इसको। ये बन गया आपका पूरा येलो हो गया, पूरा येलो कलर बन गया। तो इससे कई एक शेड से कई कलर बनते हैं, और कई मतलब अलग अलग शेडों से कलर, इससे ये कि दो तीन शेडों से मिलके भी कई कलर बन जाते हैं। अभी आप ये शेड देखें, बिल्कुल
लेमन हो गया, जो साइड पे जो है वो क्रीम कलर है, बीच में देखें कितना येलो कलर है और कितना बेहतरीन और कितना ज़बरदस्त कलर बना है। ये ट्यूब से बना है, अब मैं थोड़ी सी ट्यूब इसके अंदर और डाल दूँगा, इसके बाद आप देखें इसको बिल्कुल मैं पीला कर दूँगा, ये बिल्कुल येलो हो जाएगा, जैसी ट्यूब थी ऐसा ही कलर हो जाएगा, बिल्कुल जेन्युइन हो जाएगा। ये कलर देखें, कलर कितना बेहतरीन ज़बरदस्त कलर बना है, और ये देखें येलो कलर पूरा सेम आ गया इसके अंदर। ये थोड़ा सा मैं और अलग से डाल देता हूँ, ये देखें अभी मैं थोड़ा सा और डालता हूँ इसके अंदर अलग से, ये बन जाएगा बिल्कुल ही येलो बन जाएगा ना, जिस हिसाब से जितना माल हो उस हिसाब से ही कलर बनेगा और बड़ा बेहतरीन कलर बनेगा। अच्छा तो ये अब मैं उठाता हूँ ब्राउन ट्यूब, ये ब्राउन में शेड बनाते हैं, ये उठाया मैंने ब्राउन ट्यूब, और ब्राउन में आप देखें तो इसमें बिल्कुल हल्का जैसे लाइट करेंगे तो ये बिल्कुल लाइट मतलब चीकू टाइप का कलर हो जाएगा, बिल्कुल लाइट बेज कलर बनेगा इससे। तो इसका भी यही सीन है कि जितना ज़्यादा आप तेज़ डालेंगे इसके उतना ज़्यादा तेज़ बनता रहेगा, वही बात है कि एक कलर से काफ़ी कलर बनते हैं। तो ये देखें आप कलर कैसा बेज टाइप का कलर हो गया इसका, तो ये बेज टाइप का कलर बन गया है और बड़ा अच्छा कलर बना है, लाइट कलर केमियो भी जिसको कहते हैं, और हमारी जो है पेंट की ज़बान में इसको जेंटा कलर भी कहते हैं। तो ये बड़ा बेहतरीन कलर बना है, केमियो टाइप का बेज कलर, अच्छा कलर बना है। थोड़ी सी मैं और लेता हूँ इसके अंदर ट्यूब मिलाता हूँ, थोड़ी सी ट्यूब मिला के इसके अंदर चेक करते हैं। ये मैंने और ट्यूब डाली इसके अंदर, तो ये अब आपका चला जाएगा ब्राउन टाइप का शेड चला जाएगा, ब्राउन सा शेड बनेगा ये। तो ये बाकी जो टिंटर हैं जिससे मैं बना रहा हूँ, ये कोई इम्पोर्टेंट टिंटर नहीं है, ये हर दुकान पे आपको अवेलेबल मिलेगी, कलर की किसी भी दुकान से आपको मिल जाएगी ये ट्यूबें। और ये कलर आप देखें कैसा अच्छा बेहतरीन बना है, तो कलर भी आप सिर्फ ये ओनली डिस्टम्बर वाटर में इस्तेमाल होगी, डिस्टम्बर में जो पानी का कलर है, बाकी आयल वालों की ट्यूबें अलग होती है, उसकी भी इंशाल्लाह किसी दिन वीडियो बनाऊँगा मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी आप कलर देखें, ये बड़ा बेहतरीन कलर बन गया, ये थोड़ा तेज़ हो गया और ये डार्क ब्राउन सा बन जाएगा, ये देखें कलर कितना बेहतरीन लग रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं, ये पर्पल कलर की ट्यूब है, ये देखें आप पर्पल कलर की ट्यूब है, अब इसमें पर्पल कलर मिला के बनाएंगे, इसमें बनेगा पर्पल, तो इसको भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, थोड़ा सा यूज़ करता हूँ, ये देखें थोड़ा सा मिलूँगा इसके अंदर और बड़ा बेहतरीन शेड बनाया इसके अंदर। थोड़ा सा मैंने बनाया पर्पल कलर ही, मैंने पहले ही वीडियो में बनाया था ट्रम के अंदर, ये पर्पल कलर मैंने बनाया, देखें पर्पल कलर बड़ा बेहतरीन बनता है। पर्पल कलर एक वाइट एक ऐसा शेड है जो वाइट में भी बहुत अच्छा बनता है और ऑफ वाइट कलर में बहुत अच्छा बनता है, लेकिन ये कि वाइट में अगर आप बनाएं तो वाइट में बेहतरीन बनता है, तो ऑफ वाइट जो है क्योंकि उसमें येलोपन क्रीमपन होता है तो वो इसलिए शेड अलग हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन ये कि पर्पल आपको जब भी बनाना हो आप वाइट में बनाएं, वाइट में बड़ा बेहतरीन बनता है। ये देखिए लाइट पर्पल बना है, अब मैं इसको हिलाता हूँ देखते हैं, तो ये बन गया लाइट पर्पल कलर आपका, बड़ा बेहतरीन कलर बनता है ये वाइट के अंदर, तो ये बन गया लाइट पर्पल कलर। अब थोड़ी सी ट्यूब में और इसमें मिलाऊंगा, तो ये देखें इसको थोड़ा अच्छी तरीके से हल कर लूँ, अब ट्यूब में मिलाता हूँ थोड़ी सी और, इसको थोड़ी ट्यूब और मिलाऊंगा तो ये बेहतरीन कलर थोड़ा सा और तेज़ बन जाएगा, अच्छा कलर बन जाएगा इसके अंदर। ये मैंने थोड़ी सी और ट्यूब मिला ली, अब देखें इसमें बेहतरीन कलर, ये जामनी टाइप का इसके अंदर कलर आ जाएगा,
तो बड़ा बेहतरीन शेड आएगा इसके अंदर। ये देखें आप, अच्छा लग रहा है बड़ा। थोड़ी सी और मिलाऊंगा तो थोड़ा और तेज़ हो जाएगा इसके अंदर, थोड़ा वाइट इसके अंदर बीच में आ गया। मैंने कहा इसको एक साथ ही ला लूँ ताकि शेड का समझ में आ जाएगा कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा। बाकी थोड़ा सा और मिलाऊँगा तो ये तेज़ पर्पल बन जाएगा। आप देखें ज़रा वीडियो के अंदर,